काइजो नंबर 8 एपिसोड 12 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सब कुछ खत्म होने के बाद रेनो और यारू हॉस्पिटलाइज होता है, पर जब वो लोग वापस आते हैं उनके वेलकम के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखा गया था। वहीं पे कापका को पता चलता है कि उसे प्रमोशन मिल चुका है जनरल ऑफिसर के लिए। अब आगे ओके गाइस, एक अनाउंसमेंट है। मैंने और एक चैनल ओपन किया है, हिंदी चैनल एनएक्स एक्स्ट्रास। इसमें आपको बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिल जाएगा, जैसे कि शायद एक वीडियो चैनल पे ऑलरेडी आ चुका है जिसमें मैंने काइजू नंबर 8 की ऑल पावर्स एंड एबिलिटीज को लेके बातें किया है। लिंक दे दूंगा आपको, अगर देखना है देख लीजिए, बहुत अच्छा वीडियो है और वो फेस कैम वीडियो होगा। एपिसोड के शुरू में हम मीना और कापका दोनों को आमने सामने देखते हैं। मीना कहती है, कापका इबिनो, आज से फॉर्मली आपको एक कैडेट से डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनाया जाता है। कापका उसे सैल्यूट करते हुए कहता है, मैं अपने दिल से फाइट करूंगा, अपने सब कुछ लगा के फाइट करूंगा, अब मैं जाता हूँ। वो बहुत नर्वस होता है, जाने लगता है, पर तभी पीछे से वो कहती है, ऐसे ही अब बाहर जाके चिल्लाने मत लगना, क्योंकि तुम अभी बहुत दूर हो मेरे साथ लड़ने के लिए। पर यह सुन के कापका बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है, अरे तो वो मीना को भी याद है, ठीक है। और तभी जोर से कहता है, हाँ देखना मीना तुम। ये सुन के मीना स्माइल करती है, पर तभी कहती है, तुमने फिर से अपने सीनियर की इज्जत नहीं की है, इसके लिए तुम्हें 50 पुशअप मरने की सजा दी जाती है। कापका चिल्लाने लगता है और कहता है, क्रैप मैंने फिर से बो कर दिया। बो जाने लगता है, तभी पीछे से बो कहती है, काइजू नंबर 8। कापका बहुत ज्यादा शौक होता है, पर बो कंटिन्यू करते हुए कहती है, काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 की आ जाने की वजह से मुझे थोड़ी सी बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है, तो मैं बेस से बाहर रहूंगी, यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे 22 कैप्टन होसना संभाल लेगा, सो तुम्हें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उनसे जाके पूछना। ये सुन के कापका उसे सैल्यूट करके जाने लगता है, पर तभी वो कहता है, और एक बात, क्या तुम्हें पता है होसना ही था जो कि तुम्हारे ज्वाइन करने को लेके उत्साहित था, या फिर उसी ने तुम्हें पुश किया था और उसी ने तुम्हें प्रमोट किया है, उसे तुम पर विश्वास है। ये सुन के कापका बहुत ज़्यादा चौंकता है। सीन शिफ्ट होता है, रात में देखते हैं वो पढ़ रहा था। बहुत देर हो जाने के बाद वो सोने के बारे में सोचता है और कापका के बारे में सोचता है, पर तभी जब वो बाहर जाता है देखता कि एक रूम में लाइट अभी भी चालू है और उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रहा है। और जब वो बाहर जाता है देखता है 22 कैप्टन होसना वहाँ पे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं इतनी रात को। ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि अब बहुत रात हो चुके हैं। और जब वो सामने देखता है होसना को ट्रेनिंग करते देखता है और ज़्यादा चौंकता है, क्योंकि होसना उन्हीं सारे मूव्स को प्रैक्टिस करे जा रहा है जिसको कि वो काइजू नंबर 8 के खिलाफ यूज कर रहा था। वो अपने आप को और शार्प करे जा रहा है। ये देख के वो और ज्यादा चौंकता है और डर जाता है, वहीं पे बैठ जाता है। तभी वाइस कैप्टन उसे देख के कहता है, ओ कापका, ये तुम हो। कापका कहता है, मैं भी तो ये आपसे पूछ सकता हूँ ना सर, आप इतनी रात को यहाँ पे। वो कहता है, राइट, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ काइजू नंबर 8 के अगेंस्ट मूव्स को, क्योंकि इसके बाद जब वो मुझे मिलेगा ना तो मैं उसे एक ही बार में ख़त्म करने वाला हूँ। तुम्हें पता है कापका, मैंने पहले से ही गलती कर दी थी, मुझे पहले से ही तैयार होकर उसे ढीला नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे पहले से ही एक ही बार में मुझे उसके सर के लिए जाना चाहिए था। आपने 5 नंबर स्किल के बजाय 6 नंबर स्किल का यूज़ करना चाहिए था, इससे मैं उसे एक ही बार में मार देता। पर कापका की अंदर से अभी फटे जा रहा है, वो बस सोचे जा रहा है, भाई ये सब क्या है। वाइस कैप्टन फिर से कहता है, कोई भी ऑर्डिनरी ऑफिसर उसे संभाल नहीं सकता। आई गेस कि काइजू नंबर 9 वो भी उतना ही पावरफुल है, तो मुझे ही उनसे छुटकारा पाना होगा। कापका उसकी सीरियसनेस को देखता है, उसकी बातों को देखता है और सोचता है, हाँ वो ज़रूर कुछ और ही है, और वो अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ सिटीजन्स नहीं, वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी ऑफिसर्स को। तभी कहता है, वाइस कैप्टन, मीना ने मुझे बताया आपको मुझ पर विश्वास है, मैं बहुत कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर तरह से सपोर्ट दे पाऊँ। ये सुन के वाइस कैप्टन उसके गला पकड़ता है पीछे से और दबाने लगता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम पर मुझे विश्वास है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 1% के पावर पर मुझे कोई विश्वास होगा? बिल्कुल नहीं। पर कुछ देर बाद चाहते हुए कहता है, पर हाँ अगर सही बोलूँ तो 1% भी हो तो मुझे तुम पर विश्वास है, चलो अब मैं जाता हूँ। कापका ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है और वाइस कैप्टन ये कह के बाहर से चले जाते हैं। कुछ देर बाद हमें आसमान में दिखाया जाता है, ऊपर से बहुत सारे ड्रैगन्स को हम उड़ते हुए देखते हैं जो कि उसी बेस की तरफ आ रहे थे। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम वाइस कैप्टन होसना को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप में काइजू नंबर 8 के बारे में देख रहा था, और तभी सोचता है, कुछ तो ऑफ है इनके बारे में, कुछ तो ऑफ है, मतलब ह्यूमन जैसे एट्रीब्यूट्स है इसमें, मैं जब इससे लड़ रहा था बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था मैं कोई काइजू से लड़ रहा हूँ। और दूसरी तरफ वो काइजू नंबर 9 जो कि ह्यूमन की लैंग्वेज बोल सकता है, ह्यूमन की रूप में है, क्या चल रहा है अब चारों तरफ, मतलब
ये इन काइजूस के साथ क्या चल रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं काफ्का को, वो अब ऑफिस के बिल्डिंग में है, ऊपर की तरफ देख रहा है और वाइस कैप्टन होसना की वही बात को याद कर रहा है। मुझे तुम पर विश्वास है, एटलीस्ट 1% विश्वास तो ज़रूर है। और अपने आप को ठीक करते हुए क्या सोचता है, नहीं नहीं मैं उनको डाउन नहीं कर सकता, मैं सब कुछ करूँगा वो सब कुछ जो कि उनके लिए और सबके लिए अच्छा हो, मैंने अपना पहला स्टेप ले लिया है। और कुछ देर बाद देखते हैं तभी वो वापस जाने लगता है और सोचता है ठीक है चलो अब थोड़ी देर सो जाता हूँ क्योंकि सोना भी तो एक काम ही है। पर वो जा रहा था तभी देखते हैं आसमान से कुछ नीचे की तरफ आ रहा है और तभी उसके पीछे से हम देखते हैं बहुत सारे आग के गोले एक के बाद एक नीचे बेस पर बरसने लगते हैं। ये सब कुछ इतना इंस्टेंट और इतना खतरनाक था, उसे रिएक्ट तक करने का समय नहीं मिलता। एक के बाद एक बेस के ऊपर हम सारे आग के गोले को गिरते हुए देखते हैं, सब कुछ धीरे धीरे तबाह होते जा रहा है। ये सब कुछ इतना खतरनाक और इनके वजह से इतना खतरनाक वाइब्रेशन हो रहा था कि सब कोई डर चुके हैं, सब कोई अपने नींद से उठ चुके हैं। तभी वाइस कैप्टन पूछता है क्या चल रहा है ऑपरेशन रूम बताओ। और तभी ओकोनो की कहती है सर कुछ डॉजन सब काइजू से अपीयर हुए सर जो कि हवाई अटैक कर रहे हैं और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे हैं सर। उनका एस्टिमेटेड स्ट्रेंथ होगा 6.2 6.3 6.4 और सिर्फ सर एक का नहीं हर एक का ताकत इतना ही ज़्यादा है। हर एक जो भी काइजू वहाँ पे है सब हॉन्जू क्लास थ्रेट है सर। और तभी हम वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे खतरनाक ड्रैगन को जो कि खुद एक बिल्डिंग जैसे बड़े हैं। उस जगह की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तभी एक काइजू को देखते हैं वो मुँह से बहुत खतरनाक आग का थ्रो करता है। ये थ्रो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसके सामने सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो जाता है। वाइस कैप्टन एक एक करके सारे ऑफिसर्स को बाहर निकलने बोलते हैं जितने भी उनके पास अभी अवेलेबल है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम काफ्का को देखते हैं। काफ्का अपने सामने अपनी जगह को देख रहा था, उसके सामने जितने भी बिल्डिंग थे पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जैसे कि उसके सामने अब आग का समंदर। वो ये देख के डर चुका है और डरते हुए कहता है बेस तो पूरी तरह से आग में डूब चुका है और ये क्या, ये सारे ड्रैगन काइजूस। सामने इतने सारे ड्रैगन काइजूस को देख के वो बहुत बुरी तरह से चौंक चुका है, सोचता है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ड्रैगन काइजूस तो ऐसे नहीं आते। तभी वाइस कैप्टन को कहता है, वाइस कैप्टन होसना कहता है काफ्का तुम ठीक हो, सुन के बहुत अच्छा लगा। काफ्का कहता है यस सर, पर एक बहुत बड़ी इशू हो गया है सर, आपको तो इस बारे में पता ही होगा सर, साल में सिर्फ 10 या फिर उससे एक दो ज़्यादा ही ड्रैगन टाइप काइजूस निकलते हैं, हर साल ऐसा ही होता है। और उन सब का एक कॉमन एट्रीब्यूट कि वो लोग अकेले आते हैं। पर सर मैं अपने सामने जो देख पा रहा हूँ, मेरे सामने बहुत सारे ड्रैगन टाइप काइजूज है सर, मुझे ये देख के विश्वास नहीं हो रहा है। पर सर मैं अपने सामने जो देख रहा हूँ ये देख के मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं अपने सामने देख रहा हूँ सर बहुत सारे ड्रैगन टाइप काइजूज एक साथ मेरे सामने है सर, सामने जगह को तबाह किए जा रहा है। वाइस कैप्टन कहता है राइट, इसका मतलब एक ही चीज़ हो सकता है, इन सारे ड्रैगन टाइप काइजूस जिनके पास खुद का इमेंस स्ट्रेंथ पावर और प्राइड होते हैं इसीलिए वो एक साथ नहीं आते, यहाँ तक कि इनका इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। पर अगर ये सब एक साथ आ रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है कि उनका लीडर सुपर पावरफुल होगा जो कि उन्हें एक साथ बंधे हुए रख रहा है। तभी वो सामने की तरफ देखता है, सामने की तरफ हम देखते हैं एक काइजू जो कि ह्यूमन की तरह दिखता है वो आगे आ रहा था और सामने आते ही कहता है टारगेट को ढूंढ लिया गया है और हंसने लगता है। वाइस कैप्टन उसे देख के कहता है काफ्का ड्यूटी बुला रहा है मुझे जाना होगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो काइजू उसे देख के हंस रहा है। सो ये काइजू कौन है और क्यों यहाँ पे एक साथ हमला करने आया है और आगे क्या होगा, देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और जाके मेरे इस दूसरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू सो मच।